फ्रेंड्स, अपने पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो वन की है या फॉरेस्ट की है, ठीक है। अब वन या फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जब अपने पास वृक्ष किसे कहते हैं? अपने पास परिपत्र रहित होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें कोई अपने पास सर्किट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो नॉन साइक्लिक होना चाहिए। वह अपने पास अगर सिंपल ग्राफ हो उसे वृक्ष बोल देते हैं। अब वन की डेफिनेशन आती है, अगर अपन क्या ले लें, एक कलेक्शन ले लें वृक्षों का या ट्रीज का, अपन एक कलेक्शन या संग्रह ले लें, वही अपने पास क्या होता है, एक वन होता है, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन, परिपत्र रहित, अपने पास सर्किट जो अपने पास है सर्किट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड एंड अपने पास जो नॉन कनेक्टेड ग्राफ है वही अपने पास वन कहलाता है, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी कि परिपथ रहित संबद्ध अथवा परिपथ रहित संबद्ध अथवा असंबंध जो ग्राफ है वो अपने पास एक वन कहलाता है। क्या कहलाता है? वन कहलाता है या फॉरेस्ट कहलाता है। या अपन इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं कि कलेक्शन ले लें ट्रीज का, वृक्षों का संग्रह है या कलेक्शन ऑफ ट्रीज, वो अपने पास क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक वन होता है, एक वन होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अपने पास रूटेड ट्री या समूल वृक्ष की। समूल वृक्ष या रूटेड ट्री। अब अपने पास ये होता है कि समूल वृक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अपन क्या ले रहे हैं? एक ट्री ले रहे हैं या एक वृक्ष ले रहे हैं, ठीक है। उसका जो मूल होता है अपने पास, यानी अपने पास वृक्ष लिया, उसका मूल होता है, वहां से अपने पास हर एक शीर्ष पे जाने के लिए केवल एक ही अपने पास क्या रहता है? पाथ होता है, ठीक है। वहां से ये बोल दें कि वृक्ष जिसमें कोई अपने पास एक ऐसा शीर्ष हो जो अन्य सभी शीर्षों से क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो, वो अपने पास क्या कहलाता है? एक समूल वृक्ष कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? समूल वृक्ष वो वृक्ष होता है, वृक्ष जिसमें कोई एक शीर्ष, कोई एक शीर्ष शेष अन्य शीर्षों से, शेष अन्य सभी शीर्षों से भिन्न होता है, एक समूल वृक्ष कहलाता है, एक समूल वृक्ष कहलाता है या रूटेड ट्री कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अपन वृक्ष का तो जानते हैं कि जो अपने पास वृक्ष का मीन ये होता है कि अपने पास कोई ट्री हो वो विदाउट एनी रूट हो, यानी मूल रहित वृक्ष से होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो समूल वृक्ष होता है उसको अपने पास अन्य जो शीर्ष होते हैं उनसे अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको अपन दिखाने के लिए क्या करेंगे कि अन्य वृक्षों से जो समूल वृक्ष है उसको अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो मूल होता है ना, इसका मूल शीर्ष होता है, उसको एक छोटे त्रिभुज के अंदर क्या कर दिया जाता है? बाउंड कर दिया जाता है। यानी मैंने एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं समूल वृक्ष का, यानी मेरे पास एक ट्री बना रही हूं मैं, ठीक है। ये अपने पास एक ट्री हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये वाला जो शीर्ष है इससे हर एक शीर्ष पे जाने के लिए अपने पास क्या है? सिर्फ एक रास्ता है। तो यहां से ये वाला जो अपने पास शीर्ष दे रखा है ये इन सभी से क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? देखो, इस वाले शीर्ष पे जाना है तो ये भी इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है और इससे भी है। तो यानी अपने पास जो समूह, ये एक क्या हो गया? समूल वृक्ष हो गया। और समूल वृक्ष में कोई क्या, एक शीर्ष सबसे अलग होता है, तो मान लो ये वाला शीर्ष है और जो अन्य शीर्ष होता है अपने पास, डिफरेंट जो शीर्ष होता है उसको क्या किया जाता है? त्रिभुज के अंदर लिखा जाता है। तो यहां से ये क्या हो गया अपने पास? समूल वृक्ष हो गया। अब देखो, अपने पास ये वाला एग्जाम्पल हो गया। देखो, अब क्या कह ले रही हूँ कि ये वाला जो अपने पास शीर्ष है इसका कोई शिशु नहीं है। शिशु मतलब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं अपने परिवार में ही ले,
ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये अपने फादर होते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये अपन होते हैं, ठीक है, यानी उससे शीर्ष वाले नीचे जो चलते जाते वो उसके ये जनक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये जो मूल है अपने पास, ये तो जनक होगा, इसके बाद में ये जो अपने पास तीन शीर्ष आ रहे हैं, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे शिशु इस शीर्ष के, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दें इन तीनों जो शीर्ष दे रखे हैं इनका ये क्या होगा, अपने पास जो मूल मूल शीर्ष दे रखा है ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएंगे जनक, ठीक है। फिर ये वाला अपन शीर्ष लें, इसके ये दोनों क्या हो गए, शिशु हो गए, यानी अपने पास ये आंतरिक शीर्ष हो गए अपने पास, ठीक है। अब अपन ये बोल दें कि अगर इस शीर्ष के कोई शिशु नहीं है तो ये एक अपने पास पर्ण या फिर लीफ कहलाता है, और अगर ये देखो इस शीर्ष के अपने पास क्या है, शिशु है, तो ये अपने पास क्या होते हैं, ये आंतरिक शीर्ष कहलाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है उपवृक्ष या सब ट्री की, ठीक है। अब सब ट्री या उपवृक्ष किसे कहते हैं, मैं एक समूल वृक्ष लूंगी, समूल वृक्ष आप जानते हो, जिसमें एक शीर्ष ऐसा होता है जो सब और अलग जो अपने शीर्ष है उनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है या भिन्न होता है। तो उपवृक्ष की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समूल वृक्ष टी लेंगे, ठीक है, उसमें कोई शीर्ष वी ले लें, ठीक है, और इसके वंशजों यानी अपने पास क्या आ जाएंगे, इसके पूर्व के जो वंशज है और इन पर आपतित कोरों के द्वारा अपने पास जो प्रेरित वृक्ष यानी प्रेरित प्रेरणा से अपने पास वृक्ष बन रहा हो और जिसका मूल शीर्ष क्या हो, जो वही शीर्ष हो जो वी है, तो वो टी का अपने पास क्या कहलाएगा, उपु वृक्ष कहलाएगा। देखिए अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है समूल वृक्ष टी में किसी शीर्ष वी तथा इसके वंशजों एवं इन पर आतित कोरों द्वारा प्रेरित वृक्ष, यानी अपने पास ये होना चाहिए कि समूल वृक्ष टी दे रखा है, उसमें कोई शीर्ष वी ऐसा हो जो इस उस वृक्ष जो अपने पास शीर्ष वी दे रखा है उससे भी अपने पास एक वृक्ष बन रहा हो, ठीक है ना। तो प्रेरित वृक्ष, ठीक है, जिसका मूल शीर्ष वी है, टी का एक उपवृक्ष कहलाता है, यानी आपको क्या करना है, एक समूल वृक्ष टी लेना है और उसी में से ही एक आपको वृक्ष बन रहा हो, उसी को ही आप क्या बोल दोगे, यानी उसमें जितने भी अपने पास शीर्ष है और कोर है वो सारी की सारी आपके पास जो टी वृक्ष दे रखा उसमें, समूल वृक्ष टी दे रखा उसमें हो, तो वो क्या हो जाता है अपने पास, उसका सब ट्री बन जाता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, एक समूल वृक्ष लेना है, ठीक है, ये यू है, ये आर है, ठीक है, इसके डब्ल्यू हो गया, यहां से ये आर है, यू डब्ल्यू टी एस वी क्यू एक्स वाई और जेड। अब ये समूल वृक्ष है, तो समूल वृक्ष में आपको पता ही है कि जो मूल अपने पास सबसे अलग डिफरेंट होता है जो शीर्ष, उसे त्रिभुज के अंदर लिखा जाता है, ट्रायंगल के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए, ये अपने को समूल वृक्ष दिया हुआ है जिसका मूल शीर्ष क्या है, आर है। अब यहाँ से इसका अपन को उपवृक्ष लेना है, तो यहाँ से देखो जो टी दे रखा है, ठीक है ना, टी जो मुझे इसका उपवृक्ष बनेगा, उसका जो अपने पास वो मूल शीर्ष टी होगा, और उसके देखो ये यहाँ से इसी का ही बन रहा है, तो यहाँ से देखो ये टी, ये वी, ये क्यू, ये एस, ये क्या होगा, इसका एक उपवृक्ष होगा। देखिए अपने पास ये आर दे रखा है, ठीक है, अब आर अपने पास क्या है, मूल शीर्ष है, ठीक है, मूल शीर्ष जो दे रखे इसके तीन शिशु, सॉरी चार शिशु है, यू डब्ल्यू टी और एक्स, ठीक है, टी के क्या है अपने पास वी और एस, दो शिशु है, वी के एक शिशु है क्यू, ठीक है। अब यहां से एक्स ले, तो एक्स अपने पास एक आर का ही अपने पास क्या है, आर का ही एक शिशु है, तो एक्स के भी अपने पास दो शिशु आ रहे हैं, तो यहां से देखो
अब इसकी डेफिनेशन यही तो थी कि टी में किसी शीर्ष वी, वी की जगह यहाँ पे क्या है, टी है। अब इसके वंशज जो थे वो क्या है, आर है, ठीक है। और इन पे जो टी दे रखा है, इस पे जो अपने पास आपतित कोरिया हो रही है, इसके द्वारा जो ये अपने पास क्या बन रहा है, एक ये ट्री ही तो बन रहा है। ये जो अपने पास ट्री है, यही जो आपको समूल वृक्ष दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, सब ट्री, या अपने पास क्या बन जाएगा, उप वृक्ष, ठीक है ना। अब अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एम चर वृक्ष या स्मॉल एम अरे ट्री। अब एम चर वृक्ष क्या होता है कि अगर आपको कोई समूल वृक्ष दे रखा है, ठीक है, और उसमें आंतरिक शीर्ष यही होते हैं ना, मैंने बोला था ये आंतरिक शीर्ष होते हैं। तो अगर आपको कोई समूल वृक्ष दे रखा है और उसमें आपके पास जो आंतरिक शीर्ष दे रखे हैं, जैसे ये वाला आंतरिक शीर्ष ले ले, और इसके यहाँ पे एम शिशु हो, ये अपने पास आंतरिक शीर्ष है, और इसके भी क्या हो, एम शीर्ष हो, अपने पास एम शिशु हो, तो ये अपने पास जो वृक्ष बनेगा वो क्या कहलाएगा, एमचर वृक्ष। ये होना चाहिए, समूल वृक्ष दे रखा है, समूल वृक्ष में आपके पास जो ये आंतरिक शीर्ष दे रखे हैं, इसके अगर एम अपने पास क्या है, शिशु है, तो ये समूल वृक्ष क्या कहलाएगा, एमचर वृक्ष या एम अरे ट्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी समूल वृक्ष में प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के मैक्सिमम या अधिक से अधिक, एटलीस्ट, या अपने पास अधिक से अधिक एम शिशु है, तो यह एक एमचर वृक्ष या एम अरे ट्री, एमचर वृक्ष कहलाता है, ठीक है। अब यहां से ही अपन ये बोल दे कि कंप्लीट एम अरे ट्री क्या हो जाएगा, या पूर्ण एमचर क्या हो जाएगा, वृक्ष आपको टी दे रखा है, उसके अगर अपने पास आंतरिक शीर्ष के या एग्जैक्टली एम शिशु है, या कोई एम शिशु, कोई भी शिशु नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, कंप्लीट एम अरे ट्री या पूर्ण एमचर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं, क्रमित समूल वृक्ष या ordered rooted tree, ठीक है। अब अपने पास आ गया ordered rooted tree या क्रमित समूल वृक्ष क्या होता है। अब अपने पास क्रमित समूल वृक्ष क्या हो जाएगा, देखो क्रमित समूल वृक्ष ऐसा हो जाएगा कि अपने पास कोई समूल वृक्ष दे रखा है, ठीक है, उसमें जो आंतरिक शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, आंतरिक शीर्ष के जो शिशु अपने पास दिए हुए हैं, वो अगर एक क्रम में है या एक ऑर्डर में है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, एक क्रमित समूल वृक्ष कहलाता है, ठीक है ना। यानी क्रमित समूल वृक्ष में जो प्रत्येक आंतरिक शीर्ष आपको दे रखा है, उसमें शीर्ष के जो शिशु है उनको बाएं से दाएं क्रम में अगर अपने पास, यानी बाएं लेफ्ट से राइट ऑर्डर में अगर उनको दिखाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है अपने पास, क्रमित समूल वृक्ष हो जाता है। तो डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समूल वृक्ष जिसमें प्रत्येक आंतरिक शीर्ष के लिए शीर्ष के शिशु एक क्या हो अपने पास, क्रम में हो या ऑर्डर में हो, एक क्रम में है, एक क्रमित समूल वृक्ष कहलाता है, क्रमित समूल वृक्ष कहलाता है। यानी अपने पास अगर आपके पास कोई रूटेड ट्री दिया हुआ है, और उसमें अपने पास जो इंटरनल आपको क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, उनके क्या होंगे अपने पास, चाइल्ड होंगे, वो अपने पास अगर ऑर्डर में दे रखे हैं, तो वो हो जाता है ऑर्डर्ड रूटेड ट्री। और जो अपने पास आपके पास इंटरनल जो वर्टेक्स दे रखे हैं, उसके चाइल्ड को अपन लिखते हैं लेफ्ट से राइट अपने पास ऑर्डर में उनको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है द्विचर वृक्ष या बाइनरी ट्री, द्विचर वृक्ष या
बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आती है कि द्विचर वृक्ष या बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, अपन क्या लेंगे, एक ट्री ले रही हूँ। ठीक है, उस ट्री में एक जो सीड्स है उसकी उसका तो ऑर्डर है अपने पास टू, और बाकी जो अपने पास सीड्स दे रखे हैं उनका ऑर्डर होना चाहिए वन या थ्री, तो वो अपने पास द्विचर वृक्ष क्या कहलाएगा, वो अपने पास वृक्ष क्या कहलाएगा, द्विचर वृक्ष। यानी डेफिनेशन क्या हो गई, आपके पास एक ऐसा ट्री जिसमें जो एक वर्टेक्स है उसका तो ऑर्डर हो टू, और बाकी जो अपने पास वर्टेक्स बचे हैं उनका ऑर्डर होना चाहिए वन और वन या थ्री, तो वो अपने पास जो ट्री है वो कहलाता है बाइनरी ट्री। तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक वृक्ष जिसमें जिसमें केवल एक शीर्ष की कोटि, केवल एक शीर्ष की कोटि दो है, ठीक है ना, दो तथा तथा शेष प्रत्येक शीर्ष की कोटि एक अथवा तीन होती है, एक द्विचर वृक्ष कहलाता है। ठीक है ना, जिस सीड्स की कोटी अपने पास टू होती है ना, वो कहलाता है अपने पास क्या, वो कहलाता है वृक्ष का, आपको जो द्विचर वृक्ष दिया है उसका मूल या रूट कहलाता है, और रूट अपने पास होता है उसको क्या लिखा जाता है, अपने पास ट्राइंगल के अंदर। ठीक है ना, इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, अपने पास ये कोई आपको क्या दे रखा है, ट्री दे रखा है, इसमें आपको पता है ये मूल है, तो अपने पास ये इसको ट्राइंगल के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, जो ये शीर्ष दे रखा है इसकी ही अपने पास क्या है, कोटि दो है, बाकी जो अपने पास शीर्ष दे रखे हैं उन सबकी कोटि क्या है, अपने पास एक है या फिर तीन है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, अपने पास इसकी क्या हो गई, टू हो गई। इस वाले की सीड्स की अपन अगर ऑर्डर देखें तो क्या है, एक है। इस वाले की ऑर्डर देखें तो एक एक दो और तीन है। ठीक है, यानी अपने पास जो दो कोटि का या दो ऑर्डर का जो अपने पास शीर्ष रहता है उससे क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अब इनका लेवल देखें, देखो जो अपने पास जो रूट होता है वो उसका लेवल होता है जीरो, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका लेवल क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ पे आएंगे तो इसका लेवल क्या हो गया, वन, फिर यहाँ पे टू, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो थ्री, और यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो ये फोर हो गया। यानी अपने पास ये चार स्तरीय द्विचर वृक्ष है, जिसमें कितने अपने पास शीर्ष हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी अपने पास थर्टीन वर्टेक्स का एक फोर लेवल का क्या है, एक रूटेड सॉरी बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब आपको पता है द्विचर वृक्ष में आंतरिक जो शीर्ष ले रहे हो उनके शिशुओं को बायां शीर्ष तथा दायां शिशु बोला जाता है। ठीक है ना, अब यहां से देखिए, इसमें दो अपने पास नोट है, जो फर्स्ट नोट है उसमें देखो अपने पास शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इस वाले शीर्ष में देखो, मैंने मान लिया एन शीर्ष का आपको क्या दिया हुआ है, द्विचर वृक्ष दिया हुआ है, तो आपको पता है कि द्विचर वृक्ष में क्या होता है, सिर्फ एक शीर्ष की कोटि क्या होती है, टू होती है, और बाकी की क्या होती है, वन और थ्री होती है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि द्विचर वृक्ष में केवल एक शीर्ष की कोटि सम, और बाकी जो एन माइनस वन शीर्ष बचे उनकी कोटियां क्या होती है, विषम होती है। अब आप जानते हो, पीछे अपन ग्राफ में पढ़ते आ रहे हैं कि विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास जो n है वो क्या आ गया, एक विषम संख्या आ गई। कैसे, अब देखो विषम संख्या अपने पास क्या आई है, n माइनस वन जो शीर्ष है उनकी, ठीक है, वो सम संख्या आ गई, और उसमें एक जो आप जोड़ दोगे वो क्या आएगी, सम संख्या वाली, तो वो क्या बन गया, जो पूरे n है वो क्या बन गया, एक विषम संख्या हो गया। यानी द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या क्या होती है, सदैव विषम होती है। देखो चूंकि एन शीर्षों के द्विचर वृक्ष में केवल एक शीर्ष की कोटि सम तथा अपने पास बचे कितने एन माइनस वन शीर्षों की कोटियां
विषम होती है, ठीक है, विषम होती है। एवं अपन जानते हैं कि एवं विषम कोटि के, विषम कोटि के शीर्षों की संख्या संख्या सदैव सम होती है। अतः n माइनस वन शीर्ष है वो तो अपने पास क्या आ गए, विषम कोटि के शीर्ष है, तो उनकी संख्या तो क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास n माइनस वन में अगर एक nवां शीर्ष भी अपन जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अतः n एक विषम संख्या है, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात यानी एन आपके पास जो एन शीर्ष ले रहे हैं अपन, ठीक है, किसमें, द्विचर वृक्ष में, वो क्या आ गई, एक विषम संख्या आ गई। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि द्विचर वृक्ष में, द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है, ओड होती है, ठीक है ना। देख लीजिए अपन ने इस एग्जाम्पल में लिया था तो इसमें अपने पास कितने मिल रहे थे, 13 वर्टेक्स आ रहे थे जो कि क्या है, एक विषम संख्या है या ओड अपने पास नंबर है। अब अपने पास सेकेंड नोट ये आता है कि अगर अपने पास मान लो कि द्विचर वृक्ष आपको दे रखा, उसमें निलंबी शीर्षों की संख्या अपन ने क्या मान ली, पी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो तीन ऑर्डर के या तीन कोटि के शीर्षों की संख्या अपने पास क्या होगी, तीन ऑर्डर के ये होगी कि टोटल तो एन दे रखे हैं, उसमें से अगर निलंबी शीर्ष अपन ने घटा दिए तो वो क्या बचेंगे अपने पास, अपन को देखनी है कि उसमें तीन ऑर्डर के या तीन कोटि के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल तो एन है, उसमें से निलंबी शीर्षों को घटा दिया और एक जो अपने पास क्या होता है, एक जो सम कोटि का होता है ना, सम वन, एक टू ऑर्डर का होता है, वो अपन ने अगर शीर्ष घटा दिया यानी उसका शीर्ष क्या है, वन होगा अपने पास, एक शीर्ष ऐसा होगा जिसका क्या है, सम संख्या होगी। तो n माइनस p माइनस वन जो अपने पास होगी वो संख्या होगी तीन कोटि के शीर्षों की संख्या, ठीक है। जहां पे सेकेंड नोट क्या हो जाएगा, यदि यदि द्विचर वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या, निलंबी शीर्षों की संख्या P है, तो तीन कोटि के शीर्षों की संख्या कितनी होगी, N माइनस P माइनस वन होती है, ठीक है। जहाँ पे n है वो टोटल जो द्विचर वृक्ष आपको दे रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेज है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि उसमें आपको द्विचर वृक्ष दे रखा है उसमें जो निलंबी शीर्ष है उनकी संख्या क्या होती है, टोटल नंबर कितने, कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब अपने पास देख तीन कोटि के ऑर्डर है वो, उनकी तो संख्या क्या है अपने पास, थ्री है, ठीक है। थ्री अपने पास क्या होंगे, थ्री एन होगी, ठीक है। उसमें से जो दो अपने पास ऐसे मान लो जो अपन क्या लेते हैं निलंबी शीर्ष है, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, टू पी, और एक अपने पास वो वृक्ष आ जाएगा जो क्या होगा, सॉरी शीर्ष आ जाएगा जो क्या होगा, सम या दो कोटि का होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये टोटल किसके होगी, टू इंटू एन माइनस वन, कोरों की संख्या की इक्वल होती है। अब देखिए इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन, तो 3n माइनस 2p माइनस वन हो जाएगा। तो यहां से आपको तो क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो p के आपके पास आ जाएगी, p क्या है, निलंबी शीर्षों की संख्या क्या आ जाएगी, n प्लस वन बाई टू। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अपने पास द्विचर वृक्ष की ऊंचाई या हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। अब देखिए द्विचर वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मैं क्या ले रही हूँ, एक द्विचर वृक्ष ले रही हूँ, उसमें मैंने मान लिया कोई शीर्ष आपको क्या दे रखा है, वी आई दे रखा है, ठीक है। तो वी आई का जो स्तर है या लेवल है वो एल आई कहलाता है। अगर अपने पास वी आई है वो अपने को मूल जो आपको दे रखा है, मूल वृक्ष दे रखा है, उससे एल आई दूरी पे ये अपने पास क्या हो, स्थित हो, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द्विचर वृक्ष में, द्विचर वृक्ष में किसी शीर्ष
वीआई का स्तर या लेवल एलआई कहलाता है यदि वीआई वृक्ष के मूल या रूट से क्या होना चाहिए एलआई दूरी पर है। यानी अपने पास जो द्विचर वृक्ष है उसका जो अपने पास मूल होता है उसको क्या ट्राइंगल के अंदर लिखा जाता है, तो ट्राइंगल के मूल का स्तर क्या हो जाएगा अपने पास जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन ने पीछे एग्जांपल देखा था, उसमें 0, 1, 2, 4 लेवल का देखा था, 4 स्तरीय द्विचर वृक्ष था, ठीक है। अब यहाँ से अपन एक और लिख सकते हैं क्या, कि अगर अपने पास द्विचर वृक्ष है उसमें केवल एक शीर्ष का अपने पास जो मूल होता है उसका तो स्तर क्या होता है शून्य होता है, और अधिक से अधिक 2 शीर्ष होते हैं वो फर्स्ट स्तर पर हो सकते हैं, और अधिक से अधिक 4 स्तर है वो जो 4 शीर्ष है वो सेकेंड स्तर पर हो सकते हैं। ऐसे करते करते अपने पास इनकी वैल्यू रहेगी, देखो द्विचर वृक्ष में केवल एक शीर्ष, और वो शीर्ष कौन सा मूल वृक्ष का क्या होना चाहिए मूल, केवल एक शीर्ष का स्तर शून्य होता है, ठीक है ना। और अधिक से अधिक अपन क्या ले सकते हैं, अधिक से अधिक दो शीर्ष फर्स्ट स्तर पर कोमा अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम अपन 4 जो शीर्ष है 4 शीर्ष सेकेंड स्तर पर ले सकते हैं होते हैं। यानी अगर मैं ये देखना चाहूँ ऐसे चलता जाएगा, फिर अपने पास क्या होंगे 8 शीर्ष होंगे, वो थर्ड अपने पास क्या आ जाएंगे थर्ड लेवल पे आ जाएंगे। अब देखो अगर मैं ये मान लूँ कि पी स्तर वाला ले रही हूँ, यानी पी स्तर है 1, 2, 3 अप टू पी स्तरीय अपने पास वृक्ष ले लूँ, और उसमें देखना चाहती हूँ कि उसमें अधिकतम शीर्षों की संख्या क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसे मान लो कि अपने पास क्या हो जाएगा अधिकतम शीर्षों की संख्या, एक तो 2, 0, 2, 1, 2, 2 अप टू अपने पास क्या आ जाएगा 2p। अब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन या इक्वल n होती है ना, तो जो n टोटल नंबर ऑफ दे रखे शीर्ष उनसे इसकी या तो ज़्यादा ही आएगी या अपने पास इक्वल आ सकती है, ठीक है ना। यानी द्विचर वृक्ष आप ले रहे हो उसमें मैक्सिमम लेवल को द्विचर वृक्ष की क्या बोलते हैं हाइट, अपन ने डेफिनेशन क्या लगाई थी देखनी थी द्विचर वृक्ष की ऊंचाई, तो अगर अपन देख रहे हैं कि द्विचर वृक्ष ले रहे हो उसमें मैक्सिमम लेवल कितना है जैसे 4 है, तो वो अपने पास द्विचर वृक्ष की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर या मैक्सिमम लेवल की लेवल को द्विचर वृक्ष मैक्सिमम लेवल को द्विचर वृक्ष की ऊंचाई या हाइट कहते हैं ठीक है, और इसे एल मैक्सिमम द्वारा निरूपित करते हैं, डिनोट किससे करते हैं एल मैक्सिमम द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई, अब यानी पाथ लेंथ ऑफ ए बाइनरी ट्री, तो क्या लेंगे द्विचर वृक्ष ले लेंगे, ठीक है। और वृक्ष का जो मूल ले रहे हो उससे अपने पास जो सारे निलंबी शीर्ष दे रखे हैं उनके बीच जो अपने पास पथ होगा या जो अपने पास पाथ दे रखा है उनकी जो लंबाई है उन सबका टोटल कर लेंगे, वही द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई अपने पास क्या कहलाता है, ठीक है। यानी अपने पास क्या हो जाएगा द्विचर वृक्ष के मूल से सभी निलंबी शीर्षों के
के बीच पथों की लंबाइयों का योगफल, पथों की लंबाइयों का योगफल द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई कहलाता है। ठीक है ना, लंबाई कहलाता है। अब अपने पास जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि द्विचर वृक्ष में पथ की लंबाई कैसे निकाली जाती है। अब पथ की क्या करना है कि द्विचर वृक्ष है जिसका मूल ये शीर्ष है अपने पास, ठीक है, इससे जो निलंबी शीर्ष है उनकी सारी की अपन क्या निकाल लेते हैं, पथ की लंबाई निकाल लेते हैं और सबका ऐड कर देंगे, वही अपने पास क्या कहलाएगा, पथ की लंबाई। अब निलंबी शीर्ष इससे भी है तो इसकी क्या हो गई अपने पास, वन, ठीक है। अब ऐड करना है, योगफल करना है सबका, ठीक है, निलंबी शीर्षों से। अब यहाँ से निलंबी शीर्ष ये है तो इसका कितनी है, एक दो तीन, ठीक है, ये भी निलंबी शीर्ष है तो इसकी क्या है, एक दो तीन। फिर अपने पास नेक्स्ट निलंबी शीर्ष ये है तो इसकी क्या है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये भी अपने पास क्या निलंबी शीर्ष है, एक दो तीन चार, ठीक है, प्लस ये दो भी अपने पास निलंबी शीर्ष है, इनकी लेंथ देखें तो एक दो तीन चार, इसकी भी चार है, प्लस एक दो तीन और चार, इसकी भी क्या है, चार है। अब इन टोटल करेंगे, इनका टोटल तो अपने पास आया है 23। ये अपने पास क्या आ गया, द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई आ गया। ओके,